भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दमनकारी चेहरा आज जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जब हमारे प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया जी को, जो कि जनसेवक बनते थे कांग्रेस सरकार के समय, उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उन पर पिल पड़ी। आज उनके खिलाफ हुई FIR और पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिए जाने की घटना घोर निंदनीय है। पूरी कांग्रेस इसके खिलाफ है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यही भारतीय जनता पार्टी तब कहाँ चली गई थी, इसकी पुलिस तब कहाँ चली गई थी, जब माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध छिंदवाड़ा में पोस्टर लगाए गए थे। छिंदवाड़ा की जनता के लिए भगवान के रूप में माने जाने वाले कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश के जननायक हैं, उनके खिलाफ जब ऐसे पोस्टर लगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी पुलिस खामोश बैठी रही। लेकिन एक जनसेवक जो सड़कों पर उतरने की बात करता था, वो जनता के दुख दर्द में अपने आप को सहभागी मानता था, वो हजारों मजदूर जो पैदल सड़कों पर घूम रहे हैं उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरा, उन संविदा शिक्षकों के लिए सड़क पर नहीं उतरा जिनकी पगार, जिनकी तनख्वाह अभी भारतीय जनता पार्टी ने बाकी रखी है। इन सब अत्याचारों के विरुद्ध यदि सिंधिया जी मैदान में उतरते तो हम समझते कि वो सच्चे जनसेवक हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह राजावत ने आज उनके चरित्र की कलई खोलकर रख दी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हजम नहीं हुआ है।